हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल और अंकित फाइनेंस क्लब यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम ये सीखने जा रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक आप कैसे डालते हैं। देखिए, जब हम इन्वेंट्री के संग काम करते हैं टैली में, तो हमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं डालना पड़ता, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इनबिल्ट कर लेता है और आपको क्लोजिंग स्टॉक बता देता है। पर अगर आपने इन्वेंट्री क्लोज कर रखी है, जैसे अगर हम इस कंपनी की बात करें, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये जो कंपनी है गणेशन कंपनी, इसमें हमने इन्वेंट्री क्लोज कर रखी है। अगर मैं F11 फीचर पे जाता हूँ, तो F11 फीचर पर गणेशन कंपनी का देखिए, तो देखिए इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, मैंने इसको क्लोज कर रखा है, तो इसने मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं किया होगा। वो हम कैसे देख सकते हैं, अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस देखता हूँ, तो आप देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आ रहा है। इसी तरीके से अगर बैलेंस शीट चेक करते हैं, तो बैलेंस शीट में भी आप चेक करिए कि कहीं भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। तो हमें क्या करना होता है, अगर हमने इन्वेंट्री क्लोज कर रखी है, अगर आप इन्वेंट्री के संग काम नहीं कर रहे हैं, खुद मैनुअली आप क्लोजिंग स्टॉक डालेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप क्लोजिंग स्टॉक खुद एंटर करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक के लिए एक लेजर बनाना है। तो हम मास्टर्स में जाके लेजर क्रिएट करते हैं। तो हम क्रिएट करेंगे, लेजर करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक हमें बनाना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्लोजिंग स्टॉक, और ये क्लोजिंग स्टॉक किस ग्रुप के अंदर आएगा, ये स्टॉक इन हैंड के अंदर आएगा। तो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में स्टॉक इन हैंड आ रहा है। जैसे ही आप इस पर एंटर करेंगे, आप इसको एक्सेप्ट करके यस कर लीजिए। अब आपका क्लोजिंग स्टॉक डल चुका है। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक तो आपने डाल दिया, आप क्लोजिंग स्टॉक लिखने के बाद, लेजर बनाने के बाद, आपको उसमें अमाउंट भी डालना पड़ेगा खुद कैलकुलेट करके कि कितना क्लोजिंग स्टॉक है। सपोज कर लीजिए इस क्वेश्चन में अगर मैं एज्यूम करता हूँ कि मेरा 3 लाख का क्लोजिंग स्टॉक है, तो आप कैसे डालेंगे वो अमाउंट। तो मास्टर्स में ही जाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक का लेजर बन चुका है। अब आप इस पर ऑल्टर पे जाएंगे, जब आप ऑल्टर पे जाएंगे तो अगेन लेजर, और हमें किस में डालना है ये अमाउंट, क्लोजिंग स्टॉक में। मैं क्लोजिंग स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ, एंटर एंटर, ओपनिंग बैलेंस मेरे पास कोई भी नहीं है। जो क्लोजिंग बैलेंस है उसके लिए आप लास्ट डे लिखेंगे 31 मार्च 2021, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुआ था, आप ऊपर देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 31 मार्च 2021 लिखा है, आप एंटर करेंगे, और सपोज कर लीजिए मैं 3 लाख, जैसे मैंने बताया, मैं इसका अमाउंट एंटर कर देता हूँ, एंटर कर देते हैं इसको, एक्सेप्ट कर लेते हैं यस। अब हम देखेंगे कि हमने क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट भी डाल दिया, लेजर भी बना लिया, अब प्रॉफिट एंड लॉस में वो रिफ्लेक्ट होगा या नहीं, और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में हम गए, तो हमने ये देखा कि क्लोजिंग स्टॉक आपके सामने है तो सही, पर अभी अमाउंट यहाँ पर विजिबल नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको लिए आपको, ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हो रहा है, पर इसकी एंड डेट भी लेनी पड़ेगी, क्लोजिंग डेट जो कि 31 मार्च 2021 है। तो आप पीरियड पे जाएंगे, पीरियड में जाके एंटर प्रेस करेंगे, 31 मार्च 2021 एंटर। आप देख सकते हैं आप क्लोजिंग स्टॉक यहाँ 3 लाख का रिफ्लेक्ट हो रहा है, और आपको इजीली विजिबल होने लग गया। इससे आपका नेट प्रॉफिट एग्जैक्टली आपको पता लगेगा, या आपको लॉस हुआ है तो आपको लॉस पता लगेगा एग्जैक्टली, ये हम देख चुके हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो हम बैक स्पेस आते हैं और हम क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट में देखते हैं। अब आप देखिए बैलेंस शीट में भी अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को देखें, तो यहाँ विजिबल तो है पर अमाउंट विजिबल नहीं है। तो इसके लिए अभी मैंने आपको जैसा प्रोसीजर बताया था वही आप फॉलो करेंगे। आप F2 पीरियड में जाएंगे, यहाँ पे जाके आप क्लोजिंग डेट डालेंगे, और जैसे ही आप क्लोजिंग डेट डालेंगे, आप देखिए राइट हैंड साइड में हमारा 3 लाख का क्लोजिंग स्टॉक हमें रिफ्लेक्ट होने लग गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्लोजिंग स्टॉक कैसे मैनुअली डालते हैं। 3 स्टेप हैं, पहले आप लेजर बनाएंगे, दूसरा उस पर अमाउंट इनबिल्ट करेंगे, और तीसरा P&L या बैलेंस शीट में आके आप डेट डालेंगे। तो आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप अंकित फाइनेंस क्लब यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। टैली में एडवांस से तक बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे ही वीडियोज हमने अपने चैनल पर बनाए हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।